तो ग्रहेंगे क्या जाएगा। खुजली हो रहा था चोकोलावा केक खाने के लिए, अभी ये लड़का गया है और 70 रुपीज़ का चोकोलावा केक लेके आया। दिखाओ इधर, हाँ जो भी है 5 रुपीज़, 65-70 में क्या ही अंतर है बेटा। और अभी खुशबू आई है और पापा आए हैं क्योंकि हम लोगों को आज कहीं जाना है ना रू, मामा लोगों को बाहर जाना है। और खुशबू बहुत सारा वेजिटेबल भी लेके आई है। चटनी चाट चाट के खाने में मजा आता है। ए विष्णु, अब यहाँ पे हल्का सा पानी गर्म हो चुका है। आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ आलू के पराठे के साथ में। तो ये थोड़ा सा पालक है जिसको मैं ब्लांच करूँगी 2 मिनट तक। इसी में मैं थोड़े से ग्रीन पीस को भी ऐड कर दूँगी। अब इनको बॉईल करना है। अब पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, उसमें मैंने डाला राई और जीरा, फिर 1 या 2 कटे हुए मैंने प्याज डाले, रफली चॉप्ड नहीं किया, थोड़ा सा फाइन चॉप्ड किया, उसमें लहसुन और मैं मिर्च का जो है क्रश करके ऐड करूँगी, उसको भी 2 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद में मैं यहाँ पे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी को मिक्स करेंगे एंड फटाफट चलाएंगे मसाले को, हमने जलने नहीं देना है। फिर जो पालक और मटर को ब्लांच किया था उसको मैंने कट कर लिया और उसी पैन में मैं ऐड कर दूँगी, उसको भी बस अब 1 मिनट तक भूनेंगे। फिर नमक मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। उसके बाद जो आलू उबाल के रखे थे ना, सारे आलू को अच्छे से मैं मैश करके उसमें ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद में उसको अच्छे से मिक्स करना है एंड मिक्स करने के बाद में उसको ठंडा होने के लिए रख देना है, ताकि अगर हम गरम गरम स्टफिंग को फिल करते हैं ना तो वो काफ़ी फटता है। तो ये आलू का पराठा का स्टफिंग रेडी है। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं अब सारे फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं शादी में, सो आई एम ऑल रेडी एंड ऑलरेडी 9:30 बज चुके हैं एंड अरु इज़ लुकिंग सो स्मार्ट। अरु जो है वहाँ पे खड़ा है, एक्चुअली आज लड़के की बारात है तो देरी से भी जाएंगे थे, कोई बात नहीं है, डायरेक्टली हम लोग डेस्टिनेशन पर जाएंगे देन आप लोगों से मिलेंगे। इस इज़ नॉट गोइंग बिकॉज उसका जो कल है ना लास्ट एग्जाम है, हम लोगों ने बहुत बार बोला चलो चलो, बट ही इज़ लाइक नॉट, मुझे पढ़ना है और मुझे पता है वो कुछ नहीं पढ़ेगा। अभी भी चलना है ना ही, इसको नहीं जाना है। और आप किस चीज़ में बिजी हैं? मुझे अपना सैंडल निकालना है, फुटवेयर। टुडे आई एम गोइंग टू वेयर अ हाई हील, बहुत दिनों के बाद मैं हील पहनूंगी एंड मैं कंप्लीट लुक बाद में दिखाऊंगी एंड दिस इज़ माय DIY पोटली। और हेयर एसेसरी भी मैंने अपनी खुद की बनाई हुई लगाई है, तो DIY सिर्फ मैं वीडियोज़ के लिए नहीं करती हूँ, उसको यूज़ भी करती हूँ। तो आज बहुत बहुत दिनों बाद मैंने इतना हील पहना है, जनरली मैं हमेशा बहुत ज़्यादा हील पहन देती हूँ, बट आज बहुत दिनों बाद हील पहना है यार। सारे वेडिंग रिलेटेड हैक शेयर किए हैं कि जिनको बिल्कुल मेकअप नहीं आता, जिनके पास महंगे महंगे कपड़े नहीं है, तो किस तरीके से आप जुगाड़ कर सकते हो, तो वो देखना ना भूलिएगा। अरु पहुंच चुके हैं जिनकी शादी है उनके यहाँ पे नहीं, एक्चुअली ये एक लॉज में अरेंजमेंट था, तो हम लोग वहीं गए। डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी थी मतलब, और ये देखो ब्राइड एंड ग्रूम की फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है एंड हेयर इज़ द ब्राइड। एक्चुअली हम बाराती की तरफ से थे, मतलब लड़के वाले की तरफ से थे, लेकिन हम उनके घर नहीं गए थे डायरेक्टली, हम 10 बजे आए थे। हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग लेट है, बट ऐसा नहीं था, हम ही जल्दी पहुँच गए थे। और यहाँ पर ब्राइड बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी एंड आई मस्ट से कि दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बिल्कुल जैसा दूल्हा वैसा दुल्हन, तो जोड़ी बहुत कमाल की थी। एंड यहाँ पे जो है उनकी भाभी है, आप रस देख सकते हो कि कितना ज़्यादा भीड़ है। तो हम लोग भी वेट कर रहे थे कि बाराती आए, तो हम लोग मतलब वो हमारे घर के पास में ही रहते हैं, हमारे नेबर है, तो हम लोग मिल के फिर यहाँ से जाए। तो सोचा कि जब तक बाराती नहीं आ रही है मैं भी थोड़ा सा फुचका खा लेती हूँ। फुचका तो जानते हो खुचका क्या होता है, कभी कभी राइमिंग वर्ड ना बिठाते बिठाते अजीब सा वर्ड निकल आता है, और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं।
है चाउमीन, बट आई मस्ट से जो खाना था ना वो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था। एंड मैं पवन को बोल रही हूँ कि फ़ोटो जब भी रिकॉर्ड होता है ना या वीडियो बनती है तो आपका पेट जो है ना अंदर क्यों चला जाता है, मतलब सांस आप अंदर की तरफ क्यों ले ले। तो बोला हाँ हाँ मैं ऐसा नहीं करता हूँ। आइसक्रीम खाया, उसके बाद में मैं आपको मंडप दिखाती हूँ। मंडप जो है बहुत सिंपल डेकोरेट किया हुआ था लेकिन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तो अगर आप कुछ बजट फ्रेंडली मंडप क्रिएट करना चाहते हो तो इस तरह के आइडियाज़ को पिक कर सकते हो एंड बना सकते हो। आप मंडप को इस तरह से डेकोरेट कर सकते हो विथ आर्टिफिशियल फ्लावर्स। एंड यहाँ पे जो पंडित जी है ना बैठे हुए, वो वेट कर रहे होंगे कि कब दोनों दूल्हा दुल्हन आए और मैं जो है शादी करवाऊँ। तो मुझे तो मंडप अच्छा लगा, सिंपल सा था बट हाँ मंडप सुंदर था। और मैंने जो आज लुक क्रिएट किया है उसके ऊपर वीडियो जा चुकी है। बस ये हमारा एक छोटा सा ग्रुप है। ये बात तो मैंने देखी है कि अगर आप कोई काम करते हो लाइक मेरी बिल्डिंग में, या फिर मेरे बहुत सारे जानने वाले ये जानते हैं कि मैं यूट्यूब करती हूँ, तो मुझे एक स्पेशल अटेंशन मिलती है, एक स्पेशल इज्जत मिलती है। ना सिर्फ यूट्यूब को लेके, आप किसी भी काम को करते हो ना तो आपको खुद पर प्राउड फील होना चाहिए। तो बस ये जो शादी ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा एंड सपोर्ट करके मुझे आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ में हमेशा कुछ नया शेयर करने की। अरु फिर चलो, बाराती इतने नज़दीक से आ रहे थे, मैंने देखा जो नज़दीक से आते हैं ना यार वो ज़्यादा लेट से आते हैं। दूल्हे राजा के साथ में सबको फोटोग्राफी करानी थी एंड सी इज़ सो स्वीट यार, ये बहुत स्वीट है, मतलब हमेशा कि लाइक मेरी फ़ोटो ले दो या कुछ भी, तो अच्छा लगता है मुझे। इनका नेचर बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, बहुत बबली काइंड ऑफ नेचर है। तो सबसे मिल के एक छोटा सा समझो तो शादी कम, ये गेट टुगेदर ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये अभी शिफ्ट हो चुकी हैं जहाँ पहले रहती थी, तो अभी मिलना बहुत कम होता है। तो शादी के बहाने मिलना भी हो गया एंड थोड़ा इन्जॉयमेंट हो गया। इसी बीच में किसी का चेन गिर गया था तो किसी ने उनको उठा के दे दिया, बोला अगर कोई ढूंढोगे ढूंढने के तो उनको दे देना। तो हम लोग का खाना वाना ऑल डन और ललिता पूरा पूरा मूड में है कि मेरा ब्लॉग बना दीजिए। तो याद रहेगा कि आप भी आए थे और हम भी आए थे, तो मैं बस जयमाला के लिए, जयमाला हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। बैठे हुए हैं इतने क्राउड में, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि आई गॉट योर वीडियो, जरूर लाइक करना, बोली लाइक करने के लिए लाइक। और जब जयमाला का समय आया तो पता नहीं दूल्हे राजा की जो मम्मी है वो क्या डिस्कस कर रही थी, मुझे नहीं पता है, मैं उस गॉसिप का हिस्सा नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा शेयर करने के लिए। बहुत अजीब लगता है यार जब भी जयमाला का टाइम होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे ये रिचुअल्स होता है, मतलब दुल्हन जो है मीठा खिलाती है दूल्हे को एंड दूल्हा भी जो है दुल्हन को मीठा खिलाती है। यहाँ फ़ैन इतनी तेज़ चल रही थी ना कि ये जो दीपक है वो जल नहीं रहा था, बट दुल्हन बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं दूल्हे के बारे में तो नहीं बता सकती बट हाँ चेहरे से उनकी भी लग रही थी कि वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। ओवरऑल जो वेडिंग है ना बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो आपने अगर इस ब्लॉग का कोई भी पार्ट इन्जॉय किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा एंड इन दोनों को ना ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा कि अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा खुश रहे। एंड लुक एट द एक्सप्रेशन ऑफ दूल्हे राजा, मतलब कितनी शर्माते हुए उन्होंने जयमाला डाला है। तो दोनों की जोड़ी सच में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है।
शादी में गई तो क्या लेके आई, मतलब ये थोड़ा डेकोरेशन था तो रात हो गई थी तो सब इसी तरह पड़ा हुआ था, तो थोड़ा बहुत निकाल लिया येलो, ये सब स्ट्रिंग थे तो कुछ मेरे काम आ जाएंगे DIY के लिए, और ये सिर्फ दो ही लिया है पिंक कलर का। और आज बेडशीट निकाला लेकिन इस पर स्प्रेड नहीं कर पाई, पिलो कवर सब कुछ। तो ये देखो रात के बज चुके हैं 1, एक बज गए हैं, घर रिटर्न आ गई। सबसे पहले घर रिटर्न आके रिशु को खाना खिलाया, खाना रख के गई थी लेकिन इसने खाना नहीं खाया था, तो खाना खिलाया, खाना वाना खिला के आई एम ऑल्डर। बस ये जो लिपा पोती किया ना उसको हटाओगी। सो गाइज आज का ब्लॉग मैं यही भी ख़त्म करती हूँ। अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कोई वीडियो को रिक्वेस्ट है तो हर एक फ्राइडे सीरीज आ रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान हर एक समस्या का समाधान कर सकती है। स्माइल कैन चेंज द वर्ल्ड। लव यू, बाय बाय। थका हुआ आत्मा ही इज़ वेटिंग फॉर टुमारो, मतलब कल इसका एग्जाम खत्म होने वाला है, सो कल इसका इंडिपेंडेंस डे है। इतने दिन से बोले मुझे आज़ादी कब मिलेगी, तो कल इसको आज़ादी मिलेगी।